सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये एनम फर्स्ट ईयर का यूनिट है, जिसमें कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम लोग फर्स्ट यूनिट को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे, और ये सेकंड यूनिट है जिसमें एक पार्ट हो चुका है, आधी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं तथा कुछ चीज़ें बाकी हैं जिसको आज हम लोग कम्प्लीट करने वाले हैं। तो देखिए कि क्या यूनिट सेकेंड है कम्युनिटी हेल्थ का, तो फिर चलिए देखते हैं हम लोग आज क्या पढ़ना है। तो देखिए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ को देख चुके थे हम लोग, और कम्युनिटी क्या होती है इन सब को देख चुके थे। आज उनमें जो प्रचलित चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो पोषण होता है, पोषण ये हमने देखा था कि समुदाय में बहुत सी चीज़ें प्रचलित होती हैं जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लोगों के स्वास्थ्य अलग अलग तरीके से रहते हैं। अब उनके कारक को देखते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे लोगों का स्वास्थ्य अलग अलग रहता है, या फिर लोग किसी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है किसी का स्वास्थ्य बुरा रहता है। तो उसमें फर्स्ट है कि पोषण, खाने पीने की आदतें अलग अलग होती हैं। तो देखिए खाने पीने की आदतें जो होती हैं वो लोगों की अलग अलग होती हैं। कैसे होती हैं, जैसे कि कोई सुबह खाता है, कोई पूरे दिन भर खाता ही नहीं है, रात को खाते हैं, फिर कोई लोग जैसे अपनी जिन दिनचर्या में कोई सिर्फ दाल चावल ही खा रहा है, कोई अच्छे तरीके से फल फ्रूट सब्जी हरी पत्तेदार सब्जियाँ सब कुछ का सेवन कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोगों के खाने पीने की जो आदतें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कुछ लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो ये भी मान्यता है बहुत लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। अगर नहीं भी खाते तो भी इतना बहुत ज़्यादा प्याज लहसुन से इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अपना अपना सोच है कि बहुत लोग प्याज लहसुन इसलिए नहीं खाते, उन लोग मानते हैं कि प्याज लहसुन एक बहुत गंदा चीज़ होता है। जिस तरीके से मांस और मछली को लोग समझते हैं उसी तरीके से उन लोगों के अंदर उन लोगों का विचार रहता है, या फिर उन लोगों की जो सोसाइटी या फिर प्रथा रहती है उसमें ये कहा गया रहता है कि प्याज लहसुन खाना बेकार होता है या मांस की भांति होता है, तो इस वजह से लोग नहीं खाते हैं। मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, तो अंडा मछली मीट गर्भाशय में खाने नहीं दिया जाता। अच्छा, जो अंडा मछली मीट है ये गर्भावस्था में नहीं खाने दिया जाता। अच्छा, इसका एक वैज्ञानिक कारण भी ये भी है कि जैसे कि अंडा मांस मछली खाने से थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत रहती है, जैसे कि पच नहीं पाता। वैसे तो ये हमारे यहाँ प्रथा मानी जाती है कि एक अगर बच्चा है पेट में तो फिर ये भगवान का रूप होता है, तो इस वजह से लोग नहीं खाते हैं। बट इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, क्योंकि वो जो भोजन होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और पचने में टाइम लगता है, और जब गर्भावस्था कोई प्रेग्नेंट होती है महिला तो उसके जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं थोड़े उतने अच्छे हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से अगर नहीं भी खाए तो भी कोई बात नहीं है, और अगर खाती भी है तो भी कुछ नहीं होता है, बस थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रसव दाइयों द्वारा ही कराया जाता है, तो ये बहुत बेकार चीज़ें जो चलती हैं गाँव में कि दाइयों से करवाया जाता है, तो वो लोग अच्छे तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती हैं। और देखिए जो घर पे डिलीवरी होती है उसमें और हॉस्पिटल में होने से ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। जैसे कि अगर कुछ भी क्रिटिकल कंडीशन होती है तो हॉस्पिटल में सारे चीज़ वहाँ पे रहते हैं कि तुरंत इंसान क्या करेगा, तुरंत जो भी कंडीशन रहेगी जिस हिसाब से कंडीशन रहेगी उस तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिल जाता है। लेकिन क्या होता है कि गाँव में ऐसा नहीं होता है कि सब चीज़ें उपलब्ध नहीं रहती हैं, थोड़ी ही चीज़ें उपलब्ध रहती हैं और हाइजीन भी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशन जैसे पीपीएच हो जाना, एक्लेम्सिया हो जाना, इन सब की कंडीशन आ सकती है। बच्चों के प्रसव के 3 दिन तक माँ का दूध नहीं पिलाया जाता है, तो ये भी जो प्रथा होती है ये गांव में प्रचलित रहती है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो 3 दिन का मिल्क होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो इम्यूनिटी पावर को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग करने का काम करता है। जो आता है वो मिल्क उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है और उसको ज़रूर पिलाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि गाँव में ऐसा प्रथा रहता है, कहीं कहीं ऐसी प्रथाएँ प्रचलित रहती हैं, हर जगह की मैं बात नहीं बता रही हूँ कि हर जगह ऐसा होता है, बट कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि ये प्रथाएं रहती हैं कि 3 दिन का मिल्क नहीं पिलाया जाता है, जो कि बहुत बुरा प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य पर डालता है।
बच्चे की नाभि पर गाय का गोबर लगाना एक ख़राब प्रक्रिया है। तो देखिए, जो अम्लाइकल कॉर्ड होता है वो वैसे भी नाजुक होता है, बच्चा वैसे भी नाजुक होता है और अम्लाइकल कॉर्ड भी एक नाजुक चीज़ होती है। अगर वहाँ पे गोबर लगाना एक ख़राब आदत है। क्यों ख़राब आदत है? क्योंकि गोबर में बहुत सारे बैक्टीरियाज वायरस रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन होने का ख़तरा बढ़ जाता है। जैसे कि ज़्यादातर तो देखा जाता है कि क्लास्ट्रोडियम टिटैनी होने का ख़तरा रहता है अगर उसके नाभि पे लगाया जाता है गोबर। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत सफाई। रोज़ नहाना एक नित्य नियम है, ये बात अच्छी बात आदत है। रोज़ नहाना एक अच्छा हैबिट है। नहाने के बाद पूजा करना उनका रिवाज है, तो ठीक है, पूजा कर रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उनकी दिनचर्या है, कोई बात नहीं, इसमें कोई भी स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। नहाने से पहले तेल मालिश करके नहाना एक अच्छी आदत है। बहुत लोग के यहाँ ये रिवाज रहता है कि पहले तेल से मालिश किया जाता है उसके बाद नहाया जाता है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, अच्छी आदत है, कोई बात नहीं, समाज के लोग कर रहे हैं तो उसको करने देना चाहिए। शौच के लिए बाहर जाना एक ख़राब आदत है, आप लोगों को पता ही है, कल मैंने इसको अच्छे तरीके से समझाया था। ग्रामीण लोग तालाब कुओं पर नहाते हैं, तो तालाब में अगर नहाते हैं तो ये अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि गांव के तालाब में क्या होता है कि जब बारिश होता है तो आसपास की जितनी भी गंदगी रहती है वो सब तालाब में आ जाती है। तो ये तालाब में नहाना थोड़ा कम ठीक रहता है। अगर नलकूप उससे हैंडपम्प से नहाया जाए तो वो ज़्यादा शुद्ध पानी मिलता है। समुदाय में नैतिक व्यवहार, विश्वास एवं सांस्कृतिक रीतियाँ, हेल्थ बिहेवियर बिलीफ एंड कल्चर प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी। नर्सों की नैतिक व्यवहार संबंधी नियमावली इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा प्रकाशित की गई है, जो निम्न प्रकार से है। अब कौन कौन से हैं उसमें, उसको देखते हैं। तो पहला है कि उनकी सेवा जाति, रंग, आयु, लिंग से हटकर करनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि अगर बहुत लोग क्या करते हैं कि कुछ जाति विशेष ऐसे रहते हैं जिनमें छुआछूत का भेद मानते हैं, तो अगर आप उच्च कास्ट की हैं और नीचे कास्ट में किसी में जा रही हैं तो आपको ये जाति भेदभाव नहीं करना है कि हाँ वो उस जाति का है, मुझे उसे नहीं देना है इलाज। या फिर आप OBC या SC कास्ट की हैं और कोई जनरल कास्ट का है तो आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे वो उसे नहीं देना है क्योंकि वो लोग जनरल कास्ट के हैं, ये वो, तो आपको मतलब जाति और किसी के रंग के आधार पर या फिर किसी की आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, ये सब हटकर क्या करना है, स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है। जैसे कि क्या होता है लिंग, जैसे कि एक जो फीमेल होती है या फिर मेल होते हैं वो अपने अपोजिट लिंग से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये है कि अगर आप लड़की हैं तो लड़कों को ज़्यादा महत्व दे रही हैं, उनको ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही हैं, तो इन सबसे हटकर क्या करना है कि इन सबसे हटकर देना है स्वास्थ्य सुविधाएं। व्यक्तिगत जानकारी किसी और को नहीं बताना चाहिए। जैसे कि कोई भी अगर फीमेल है, कोई भी मतलब कोई भी पर्सन है जिसको आप स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही हैं, ठीक है, तो वो आपको अपनी जानकारी पूरा, व्यक्तिगत जितनी भी जानकारी है, जितनी भी उसकी समस्याएं हैं, जितनी बीमारियां हैं, वो आपको बताएगा। तो ऐसा नहीं करना है कि हाँ अगर उसे कुछ बीमारी हुई है तो आप आकर पूरे स्टाफ को बता रही हैं, अरे अरे इसको तो ये बीमारी है, अरे इसके घर में ये प्रॉब्लम है, तो ऐसा सब नहीं करना है। अगर कोई भी व्यक्तिगत जानकारी दिया है कोई व्यक्ति, तो वो अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। स्वास्थ्य टीम के सदस्यों का पूरा सहयोग करना चाहिए। जितने भी आपके स्वास्थ्य टीम हैं, अगर कोई भी वर्क कह रहे हैं करने के लिए, तो उनका अच्छे तरीके से सहयोग करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए, नहीं मेरा ये काम नहीं है, मैं ये नहीं करूँगी, आप लोगों का काम है, जितनी भी हो सके सहयोग करनी चाहिए। स्वच्छता व सादगी से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हाँ ठीक है आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हो समुदाय में, फिर आप क्या किए, खूब अच्छे तरीके से झालर मालर पहन के, खूब अच्छा कपड़ा पहन के निकल दिए, ऐसा लग रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है आप क्या ट्रीटमेंट करने निकले हो या फिर आप शादी में निकले हो। तो ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनने के लिए खूब अच्छे तरीके से तैयार हो जाओ। हाँ, सादगी में रहो लेकिन स्वच्छता तरीके से रहो, स्वच्छ जितने भी कपड़े पहनो स्वच्छ तरीके से पहनो, जिससे कि आपकी जो स्वच्छता है वो ठीक रहे, ऐसा ना हो कि आपकी वजह से किसी का हाइजीन मेंटेन ना हो, किसी को अन्य बीमारियाँ हो जाएँ। हमेशा खुश व विनयशील रहना चाहिए। खुश क्यों रहना चाहिए? क्योंकि आप जब खुश रहेंगे तो कोई भी मरीज आपको अपनी परेशानी अच्छे तरीके से बता सकेगा। आप विनयशील रहेंगे तो कोई भी मरीज अपनी परेशानियों को बता सकता है। और अगर ऐसी क्वालिटी आपके अंदर नहीं रहती, आप गुस्से में रहते हैं, तो फिर कोई भी पेशेंट आपको अपनी बीमारियों को नहीं बता सकता है, वो आपसे डरेगा।
आदतें व अच्छे व्यवहार द्वारा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। आपकी जो भी आदतें हैं वो आदर्श तरीके से अच्छे व्यवहार से आपको प्रस्तुत होना चाहिए। उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करना चाहिए। देखिए उच्च जो अधिकारी हैं ये नहीं कि उनसे हमेशा लड़ाई कर लेना चाहिए कि नहीं हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, हमारी ये ड्यूटी नहीं। अगर आप इस फील्ड में आई हैं तो आपको अपनी पूरी जिम्मेदारी के हिसाब से आपको वर्क करना है, तो उनसे उनके आदेशों का अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए। हमेशा सेवाभावी होना चाहिए, हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। अगर आपने ये फील्ड चुना है तो आपको पहले से ही पता है कि ये फील्ड जो होता है वो सेवा के लिए ही होता है, तो सेवाभावी होना चाहिए। समय का उपयोग अनुशासन पूर्वक करना चाहिए। जी जो भी समय है उसका प्रयोग जो है अनुशासन पूर्वक करना चाहिए। ये नहीं कि आपकी ड्यूटी 9 बजे है और आप 12 बजे पहुंच रही हैं, फिर जितने भी पेशेंट हैं वहां पे आपका वेट कर रहे हैं, वेट करते करते वो चले जाएं। तो इसलिए इसमें क्या करना चाहिए कि सेवा जो भी है समय का अनुपालन करना चाहिए। दूसरों की बातों को समझकर उनके अनुसार बातें करनी चाहिए। देखिए पहले क्या होता है कि पहले ये नहीं है कि जैसे कि आप कोई ऐसे तरीके का व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और आप उसको दे रही हैं सलाह कि आपको ये काजू खाइए, आपको बादाम खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, फल खाइए, फ्रूट खाइए, तो वो क्या होगा, वो ऐसा कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी लेने की नहीं है। पहले आप उसकी बातों को सुनिए जिससे आपको पता चले हाँ इसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। पहले उनके प्रॉब्लम्स को जानिए, फिर उसकी हिसाब से आपको क्या करना है उनसे बातें करनी है। जैसे कि अगर वो आर्थिक रूप से आपको वो उसने बताया कि मेरे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, अच्छे तरीके से मुझे भोज्य पदार्थ नहीं मिल पाता, ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, तो आपको ऐसे पदार्थ को बताना है जिससे कि क्या हो कि वो आसानी से खरीद सके, हाई जो बहुत ज़्यादा पैसे भी मिले ऐसे पदार्थ को नहीं बताना है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ आप लोगों को। समाचार पत्रों से नई नई जानकारियां लेकर लोगों को बताना चाहिए। देखिए समाचार पत्र जो होते हैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए और जितनी भी घटनाएं होती हैं स्वास्थ्य संबंधी या फिर कोई भी घटनाएं उनसे लोगों को जागरूक करना चाहिए। सदैव दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। देखिए जैसे कि कोई भी जो भी व्यक्ति होते हैं समुदाय के लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं या फिर इतने ज़्यादा जो भी चीज़ें वो करना चाहते हैं, अगर आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो आपको उनका मार्गदर्शन ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और फिर उसके बाद आपको आपके पास नॉलेज है, आप बाहर बैठ रही हैं, समाज में जा रही हैं, तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा ना अकॉर्डिंग टू समुदाय, तो आपको क्या करना है उनका मार्गदर्शन भी करना है। नेक्स्ट क्या आ जाता है कि नर्सिंग से संबंध नैतिक और व्यवहारिक मुद्दे, तो इसकी नैतिकता क्या होती है उसको जान लेते हैं। आई होप ये वीडियो ये यूनिट जो है मुझे लगता है 3 पार्ट में होने वाला है क्योंकि काफ़ी लंबा यूनिट है और इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप लोग ज़रा भी ये मत करिएगा कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक बार इसको समझ गए ना तो फिर आप ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको समझ जाते हैं अच्छे तरीके से तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जाएंगे, आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, आप ऐसे ही लिख डालेंगे, बस एक बार समझना है आपको। लेकिन अगर आप नहीं समझते हैं तो बार बार रटते रहेंगे और आपको वो चीज़ें याद नहीं होंगी, ठीक है। तो एक बार टाइम तो लगेगा बट आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार आप मुझसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपके टीचर्स जो हैं कॉलेज के वो पढ़ाएंगे, फिर आप एक बार मेरी वीडियो को देखेंगे, तो ऐसे हो गया आपका 3 बार, फिर आप खुद से भी पढ़ेंगे, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। देखिए एक चीज़ अगर 3-3 बार आप पढ़ रहे हैं टीचर्स से ही, ठीक है, फिर उसके बाद आप खुद उस चीज़ को दोहरा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नैतिकता क्या होती है, तो नैतिकता वह धारणा है जो सदाचरण को नियंत्रित करती है, अच्छा और बुरा कर्म तथा नीति सम्मत कर्तव्य और दायित्वों के प्रति नैतिकता सचेत करती है। तो नैतिकता, नैतिक होना मतलब नैतिकता क्या है, अच्छे व्यवहार करना, नैतिकता का मतलब ही होता आचरण जिसके अच्छे होना, तो जो सदाचरण को नियंत्रित करती है, जो भी आचरण है उसको नियंत्रित करती है। नैतिकता एक ऐसी धारणा है,
अच्छा और बुरा कर्म, जो भी व्यक्ति अच्छा और बुरा कर्म करता है तथा नीति सम्मत कर्तव्य और दायित्वों के प्रति नैतिकता सचेत करती है। जो भी अच्छे व बुरे कर्म व्यक्ति करता है उनके प्रति क्या करती है, नैतिकता लोगों को सचेत करने का कार्य करती है कि हाँ ये अच्छा कार्य है या फिर ये बुरा कार्य है। नीतिगत आचार्य मनुष्य के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। जितने भी नीतिगत अधिकार हैं, नीतिगत अधिकार कुछ बनाए गए हैं कि इनका पालन करना है, वो किस लिए बनाए गए हैं, वो इसीलिए बनाए गए हैं जिससे कि मनुष्य की अधिकारों की रक्षा हो सके। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि जो लोग थोड़े अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं वो क्या करेंगे, लोगों का शोषण करेंगे, तो वो भी एक नैतिकता के दायरे में रहे जिससे कि आपकी नैतिकता आप तक ही सीमित रहे, आपके जितने भी जो आपको अधिकार मिले हैं ठीक है आप अपने अधिकारों का यूज करिए, बट ऐसा ना हो कि आपके अधिकारों की वजह से किसी के अधिकार छीन जाएँ, यहाँ तक ऐसे अधिकार का यूज नहीं करना है। तो इसीलिए नैतिकता को बनाए गए हैं। आप जानते हैं ये चीज़ कि जितना भी हमारा अधिकार है वो हमारे नाक के सीधे में ही होता है, मतलब आप जो भी चीज़ें करते हैं आपकी आपके अधिकार वहीं तक हैं, आपके नाक के सिधाने तक बस, उसके बाद आपके अधिकार ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ पे आपके अधिकार की वजह से किसी के अधिकारों को छीना जाए या फिर किसी की अधिकार ना मिल सके, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे आपके अधिकार को सीमित करना ही ज़रूरी होता है। अर्थ क्या है इसका? नैतिकता शब्द का अर्थ एक ग्रीक भाषा में कस्टम, मार्गदर्शन और विश्वास है। देखिए जो नैतिकता शब्द है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में मतलब नैतिकता को कस्टम या मार्गदर्शन या विश्वास है, मतलब कस्टम कहते हैं। नैतिकता ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको हम कस्टम कहते हैं या फिर मार्गदर्शन और विश्वास है। जब एक व्यक्ति किसी पेशे का सदस्य बन जाता है तो वह उस पेशे की नैतिकता कोड को जीवित रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। कोई भी पेशा हो, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई भी टीचिंग हो, कोई भी लाइन हो, जब वह कोई भी व्यक्ति उस पेशे का सदस्य बन जाता है तो उसकी जितनी भी नैतिकता होती है, जितने भी वहाँ के रूल रेगुलेशन होते हैं उनको बनाए रखने की जिम्मेदारी वो स्वीकार करता है, तभी उसका सदस्य बनता है। नर्सिंग में पेशेवर नैतिकता नर्सों के लिए सुरक्षा कवच है। नर्सिंग में जो इतनी भी पेशेवर नैतिकता होती है वो नर्सिंग के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। परिभाषा क्या होता है कि नैतिकता एक जीवंत संस्कारों की धारणा एवं अनुशासन है। नैतिकता जो होती है एक जीवंत, मतलब एक संस्कार, नैतिकता को हम संस्कार कह सकते हैं, आचरण कह सकते हैं, इन सब की धारणाओं का एक अनुशासन होता है नैतिकता, मतलब अनुशासन में रहना। नैतिकता को हम अनुशासित व्यक्ति कह सकते हैं या फिर आचरण कह सकते हैं या संस्कार कह सकते हैं, आप जो भी समझें उसको कह सकते हैं। जो कर्म क्षेत्र की दुविधा और संपन्न को संभ्रम को व्यवस्थित रूप देने में सक्षम है। नर्सों के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यवहारिक नर्सों के राष्ट्रीय संघ NFLPN ने नैतिकता के कोड विकसित किए हैं। अच्छा, जितने भी नर्सेस हैं उनके लिए कुछ नैतिकता के कोड विकसित किए गए हैं, वो किसके द्वारा किए गए हैं? NFLPN के द्वारा नैतिकता के कुछ कोड परिभाषित किए गए हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई कोड जानेगा नहीं। जैसे कि अगर कोई आता है, एक गाइडलाइन दे दी गई है हाँ कि यही नैतिकता है, नहीं तो ऐसे व्यक्ति नहीं जान पाएगा। कोई किसी को कुछ बताएगा, कोई किसी में भूल जाएगा कि अगर कोई किसी व्यक्ति को बताएगा, जैसे कि अगर कोई नर्स हुई उसको नैतिकता के सारे आचरणों को बता दिया गया कि ये नैतिकता के कोड हैं, फिर उसको ये बताया गया कि आप अपने जूनियर्स को भी बताइए कि ये नैतिकता के कोड है, तो वो भूल जाएगी ना। इससे अच्छा, सबसे अच्छा तरीका है कि ये कोड बना दिया गया, जितने भी नर्सिंग आए वो अपने कोड को मतलब जान लें कि नैतिकता के कौन कौन से कोड होते हैं। फिर क्या हुआ कि फर्स्ट इसमें क्या है, मानव गरिमा का नर्सिंग व्यवसाय में उल्लेखनीय स्थान है। जाति, धर्म, जीवन शैली या संस्कृति विशेषता या व्यवसाय जो होता है वो प्रभावित नहीं होता है। मतलब ये नर्सिंग जो है एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि क्या होता है कि किसी की भी जाति, धर्म या जीवन शैली या संस्कृति विशेषता ये प्रभावित नहीं होता है। अगर किसी का कोई भी जाति है, रंग है, जीवन शैली है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका काम है आपको नर्सिंग केयर देना, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं देना, वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी रंग का हो, आपको इस सब से प्रभावित नहीं होना है। सतत शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता,
क्षमता को बनाए रखने हेतु और बेहतर अभ्यास के लिए नैतिकता जरूरी है। सतत शिक्षा मतलब लगातार शिक्षा प्राप्त करना। इसके लिए प्रतिबद्धता क्षमता को बनाए रखने हेतु बेहतर अभ्यास मतलब सतत शिक्षा जो है उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है कि बेहतर अभ्यास के लिए हमेशा नैतिकता जरूरी होती है, हमेशा बेहतर अभ्यास करते रहना है। नैतिकता नर्स और मरीज के रिश्ते की गोपनीयता बनाए रखने और जनता की रक्षा के लिए जरूरी है। जो बात मैंने पहले बताई कि नर्स और जितने भी मरीज हैं अगर उनको कुछ भी अपना आपका पर्सनल डिटेल्स मतलब आपको दे रहे हैं अपना पर्सनल डिटेल्स तो उनकी गोपनीयता को बनाए रखना है और जनता की रक्षा के लिए भी ये ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप किसी को भी उनकी गोपनीयता को बता देते हैं, वो जो चीज़ें आपसे बताए हैं आप उनसे उनके पड़ोसी से बता देते हैं या फिर किसी भी समाज में बता देते हैं तो हो सकता है उनका मजाक उड़ाएं समाज वाले और जिसकी मजाक उड़ाने की वजह से वो सुसाइड भी कर सकता है। तो इस सब के लिए नैतिकता में क्या किया गया है कि गोपनीयता को सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। नर्सों की अंतर्राष्ट्रीय काउंसलिंग, नर्सों के लिए नैतिकता एथिक्स के कोड जो होते हैं नियम क्या क्या हैं। नर्स की चार मौलिक जिम्मेदारियां हैं, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। देखिए जो नर्स होती हैं उनकी चार महत्वपूर्ण क्या होती हैं कि जिम्मेदारियां सबसे चार महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती हैं। क्या क्या होती हैं? स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। अगर आप एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं तो आपको क्या करना है? स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है मतलब स्वास्थ्य किस तरीके से अच्छा हो सके उसको बढ़ावा देना है और फिर बीमारी को रोकना है। जो भी बीमारी फैल रही है अगर फैल चुकी है तो उसको रोकने का प्रयास करना है या फिर अभी नहीं हुई है तो भी उसके प्रिवेंशन के उपाय करने हैं। स्वास्थ्य को बनाए रखना मतलब जो भी स्वास्थ्य अच्छा है अगर तो उसको अच्छे तरीके से बनाए रखना है और मरीज की पीड़ा को कम करना। अगर मरीज को बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है तो उनकी पीड़ाओं को कम करना है। उनको सब मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आपको स्वास्थ्य सुविधाएँ देना है कि ऐसी स्वास्थ्य सुविधा जिससे मरीज को लाभ पहुंच सके। ठीक है, नर्स और समाज। तो नर्स की प्राथमिक जिम्मेदारी उन लोगों के लिए है जिनको देखभाल की ज़रूरत है। सबसे पहली जिम्मेदारी किसके लिए होती है? जिनको देखभाल की ज़रूरत है। अच्छा, जिनको देखभाल की ज़रूरत नहीं है जैसे कि अगर कोई डेथ बॉडी, अभी मैं एग्जांपल के लिए बात बताऊं, जैसे कि कोई किसी का मर्डर हो गया है, वो उसकी जान चली गई है और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको चोट लगी है, घायल है, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है जो मृतक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई है उसकी देखभाल ना करके जो व्यक्ति पीड़ित है उसकी देखभाल करना। क्योंकि अब जो मर चुका है उसको तो आप बचा नहीं सकती हैं, तो आप उसको बचाइए जिसको आप बचा सकती हैं, जो पीड़ित है। तो आपकी जिम्मेदारी यही होती है जिनको देखभाल की ज़रूरत है उनको क्या करना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना। नर्स एक ऐसे वातावरण को बनाए रखती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति परिवार और समुदाय के अधिकारों, मूल्यों, जाति व धार्मिकता आदि का समावेश होता है। मतलब एक ऐसा परिवेश बनाना जहाँ पे ये ना देखा जाए कि कौन सी किस जाति का है, कौन सी किस धर्म का है, कौन क्या है, ये सबसे हट कर एक ऐसा परिवेश बनाना जहाँ पे बस आपका काम है कि वो मरीज हैं, आप एक नर्स हैं, बस यही रिश्ता होना चाहिए, बाकी और किसी प्रकार का रिश्ता नहीं होना चाहिए। नर्स सुनिश्चित करती है कि जिस व्यक्ति की देखभाल की जा रही है उससे संबंधित जानकारी उसे प्राप्त होनी चाहिए। मतलब ऐसा करना है कि जो भी जिस व्यक्ति को आप नर्सिंग केयर मतलब जो भी केयर आप दे रही हैं, जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही हैं, तो आपको क्या करना है उसके बारे में पूरी हिस्ट्री लेनी है, पूरा सब कुछ जानना है, तभी आप अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर सकती हैं। नर्स व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखती है, ये बात मेन इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने बार बार आपको बताया है तो आप समझ सकते हैं। नर्स समाज के साथ मिलकर जनता के स्वास्थ्य और सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करती है। देखिए क्या होता है कि जो नर्स होती है उसकी ये भी जिम्मेदारी होती है, वो समाज के साथ मिलकर जो भी समाज होता है, जो भी सोसाइटी होती है, उनके साथ मिलकर जनता की जो ज़रूरतें हैं स्वास्थ्य के प्रति या सामाजिक जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का प्रयास करें। ठीक है, तो प्रयास करने का मतलब ये है कि आप जितने भी चीज़ें वहाँ पर ज़रूरी हैं, जो भी उनके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं, अगर आप सब सेंटर पे नहीं है तो उसको इंडेंट बुक में नोट करके अपने आगे की प्रक्रिया करना जिससे वहाँ पे वो चीज़ें उपलब्ध हो जाएं।
नर से प्रदूषण तथा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने में सक्षम होती हैं। तो क्या करना है कि जैसा इन्वायरमेंट बताना है, लोगों को बताना है कि आपका पर्यावरण किस तरीके से होना चाहिए जिसकी वजह से आप बीमारियों से बच सकते हैं, तो इन सबको बताना है और एक अच्छा पर्यावरण क्या करना है कि तैयार करना है। नर्स और अभ्यास, तो नर्स की नर्सिंग अभ्यास के प्रति भी लगाव होता है जिससे उसकी निरंतर सीखने की क्षमता बनी रहती है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति होता है तो ऐसे तो नर्सिंग में नहीं चला जाता है, अगर उसकी इच्छा रहती है कि हाँ मुझे नर्सिंग, उसका ख्वाब रहता है, उसका सपना रहता है कि मुझे नर्सिंग करना है, मुझे लोगों की सेवा करना है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका नर्सिंग के प्रति लगाव है ना, तभी वो इंसान कर रहा है। तो यही लगाव क्या करता है, व्यक्ति को निरंतर सीखने की क्षमता बनी रहती है जिससे उसकी, जैसे अगर आपका लगाव है उस चीज़ में तभी आप उस काम को, ये नहीं है कि आपको किसी घर वालों ने आपको फोर्स कर दिया, नहीं आपको नर्सिंग करना है तो आपका उसमें लगाव नहीं रहेगा, तो आप उस चीज़ों को सीखना भी नहीं चाहेंगे। जिसका लगाव रहेगा वही उस चीज़ों को सीखना चाहेगा जिससे वो सोचता है कि मैं सीखूँ, जिससे मैं लोगों की सेवा अच्छे तरीके से कर सकूँ। नर्स मरीज की देखभाल के लिए स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं करती है। अगर कोई भी पेशेंट है तो ये नहीं समझौता नहीं करेगी, जैसे कि उसके घर से कोई शादी वगैरह है तो ऐसा नहीं करेगी मरीज को ऐसे छोड़ के। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि मरीज की जान निकलने वाली है, बहुत ज़्यादा मरीज की क्रिटिकल कंडीशन है, तो कह रहे नहीं भैया अभी मैं आपको नहीं देख सकती, मेरे यहाँ पे फंक्शन है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ, पहले मुझे फंक्शन अटेंड करना है। तो उसके क्या है कि यही है कि मरीज की देखभाल के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करती है। नर्स जिम्मेदारी लेते समय व्यक्तिगत क्षमता का विशेष ध्यान रखती है। अच्छा, जो नर्स होती है वो अपनी व्यक्तिगत क्षमता का क्या मतलब हुआ, जैसे कि उसकी कैपेसिटी है, नर्स जो है एक समय में एक ही मरीज को, अगर उसकी कैपेसिटी है कि वो एक समय में एक ही मरीज को देख सकती है, या फिर वह एक समय में 4-5 मरीज को देख सकती, कोई नर्स है वो एक समय में 4-5 मरीज की देखभाल बड़े आराम से कर सकती है। तो जो नर्स ऐसी है जो एक समय में एक ही मरीज को देखभाल कर सकती है, जिसका देखभाल कर सकती है, तो वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही, जैसे कि अगर कोई भी आया बोला कि आपको इस 10 पेशेंट रखे हैं, आपको इनका ट्रीटमेंट करना है, तो अगर वो नहीं कर सकती है वो तो डायरेक्ट मना कर देगी, नहीं भैया हम नहीं कर पाएंगे, मैं सिर्फ एक टाइम पे एक ही पेशेंट का केयर कर सकती हूँ, मेरे पास इतनी ही क्षमता है, तो उतना ही करना है। ये नहीं कि आप 10 पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगी, आप ले ली हाँ ठीक है हम कर लेंगे, फिर उसके बाद पता चला कि आप एक भी पेशेंट का केयर नहीं कर पा रही, पता चला 10 के 10 पेशेंट की हालत ख़राब हो गई, तो आपको यही करना है कि अगर आप नहीं कर सकती हैं तो डायरेक्ट मना कर देना है, ठीक है। नर्स और पेशे, तो नर्सिंग अभ्यास प्रबंधन अनुसंधान और शिक्षा के स्वीकार्य नियमों को लागू करने में नर्स एक प्रमुख भूमिका बनाती है। तो जो भी नर्सिंग अभ्यास होते हैं और प्रबंधन होता है उनका, शिक्षा जितने भी शिक्षा वगैरह होती हैं उनको लागू करने में नर्स एक प्रमुख भूमिका निभाती है। नर्स पेशेवर ज्ञान के विकास में सक्रिय भूमिका निभाती है। जो भी नर्सिंग की पेशेवर का मतलब हुआ, जो उसके पेशे में जितनी भी शिक्षाएँ होती हैं, जो वो शिक्षा ग्रहण करती है उसके विकास में सक्रिय भूमिका निभाती है, मतलब सक्रिय रूप से एक्टिव, जिसको कहते हैं एक्टिव रहती है, उस तरीके से अपनी भूमिका को पूरे अच्छे तरीके से निभाती है। नर्स जो होती है, नर्सिंग व्यवसाय में सामाजिक और आर्थिक समन्वय बनाए रखने की क्षमता नर्स में होनी चाहिए। जो भी उसकी सामाजिक और आर्थिक समन्वय होता है, मतलब सामाजिक जो समन्वय होता है एक, जिसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और आर्थिक समन्वय, उनकी क्षमता को एक बनाए रखना चाहिए, ठीक है। नर्स और सहायक सहकार्यकर्ता, ठीक है अब इनको देखते हैं। तो नर्स नर्सिंग और अन्य क्षेत्रों के सहकर्मियों के साथ नर्स सहकार संबंध होता है। नर्स मरीजों की रक्षा करने के लिए वांछित कार्रवाई करती है। तो जितनी भी कार्रवाई हैं, अगर जैसे कि नर्सिंग के पास, नर्स जो होती हैं उनके पास होती है जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं, अगर एक मरीज को बचाना है तो उनके पास जितने भी ट्रीटमेंट है, जितना वो कर सकती हैं उन सब चीज़ों को करना है। नेक्स्ट क्या है कि नैतिकता के प्रकार, कितना लंबा है भाई ये, तो नैतिकता के प्रकार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वर्णात्मक नैतिकता, मेटा नैतिकता और मानक नैतिकता, ठीक है। तो वर्णात्मक नैतिकता क्या होती है,
तो नर्सिंग व्यवसाय नैतिक व्यवहार की तथ्यश्रित गाथा है। इन व्यवहारों पर नैतिक निर्णय की रचना नहीं होती है। जो वर्णात्मक नैतिकता होती है उसमें नर्सिंग व्यवसाय नैतिक व्यवहार की एक तथ्यश्रित गाथा होती है। इन व्यवहार में क्या होता है कि नैतिक निर्णय की रचना नहीं हो पाती, जो नैतिक निर्णय होता है उनकी रचना इसमें नहीं हो पाती। मेटा नैतिकता क्या है? यह अर्थ और औचित्य के सैद्धांतिक मुद्दों से जुड़ा तथ्य है। मतलब जो औचित्य होता है और सिद्धांत होता है उससे एक जुड़ा मुद्दा होता है जो कि नैतिकता का अंग है या न्याय संगत होता है। मतलब जो मेटा नैतिकता होता है वह नैतिकता का ही अंग है, लेकिन ये क्या होता है कि न्याय संगत होता है, न्याय के अनुसार नैतिकता दी जाती है। मानक नैतिकता क्या होती है? यह सही और गलत की स्थिति का विवेचन करता है। मतलब क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, इनके ऊपर क्या करता है कि विवेचना, मतलब इनकी इनको सोचता विचारता है, इनका निर्णय लेता है तथा निर्णय लेने की क्षमता को उकेरता है। इसमें क्या होता है, मानक नैतिकता क्या होता है कि निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है, और मेटा नैतिकता एक न्याय संगत होता है, और वर्णात्मक नैतिकता जो होता है ये नैतिक निर्णय की रचना नहीं होती इसमें। भारत में नर्सों की नैतिकता के कोड क्या हैं? नर्स का व्यक्ति विशेष पर ध्यान देना, नर्स का जो होता है वो व्यक्ति विशेष पर ध्यान देना है, नर्स मरीजों के अधिकारों का सम्मान करती है। व्यक्ति विशेष का मतलब क्या हुआ कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो उन पर विशेष ध्यान देना है। नर्स मरीज के अधिकारों का सम्मान करती है व उसकी समस्या का समाधान करने के लिए उसी से सहयोग मतलब लेती है। जैसे कि जो नर्स होती है मरीज के अधिकारों का सम्मान करती है, और जो उन जितनी भी उनकी समस्याएं हैं तो उनकी समस्याएं कैसे पता चलेंगी, जब वो सहयोग करेंगे तभी तो अपने बारे में बताएंगे कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है और मेरी ये हिस्ट्री है, मैं इतने दिन से ये दवा ले रहा हूँ, मुझे ये नहीं क्या हो रहा है कि मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो जब वो बताएंगे तभी तो यही हुआ उनका हेल्प लेना, ये नहीं कि उनका हेल्प लेना है कि ट्रीटमेंट में चलो आप मेरे साथ ट्रीटमेंट लोगों को करो, उसको नॉलेज ही नहीं है आप ट्रीटमेंट क्या उससे करवाएंगी। तो गोपनीयता को बनाए रखना, ये चीज़ें बार बार आ रही हैं। मरीज की देखभाल के लिए नर्स में पूर्ण क्षमता होना, तो ये भी मैंने बता ही दिया। नैतिक तथा कानूनी सीमाओं से बने रहकर कार्य निष्पादन करना, मतलब आपको एक आचरण एक सदाचार में रहकर कार्य को अपने करना है। ये नहीं कि कोई आया आप अपने आप अपने को समझ रही हैं हाँ भाई मैं नर्स हूँ, खूब एटीट्यूड में है क्या नहीं है, तो कुछ वही नहीं है, लिहाज ही नहीं है, आप लोगों को डांटे जा रही हैं, फिर कैसे कोई पेशेंट आपसे अपने बारे में बताएगा जब आप चिल्ला रही हैं डांट रही हैं सब लोगों को कि अरे आपको लग रहा है कि आप नर्स ही नहीं बहुत बड़ी कुछ डीएम हो गई हैं, इस तरीके से अपने आप को समझ रही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हाई क्लास की हूँ, ये लोग क्या हैं, ये लोग तो ऐसे समुदाय के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ये मेरे सामने गिन गिना है, ये करें वो करें, तो ऐसा सब नहीं सोचना है, ठीक है। स्वास्थ्य टीम के सदस्यों के साथ मिलजुल से कार्य करना, जितने भी स्वास्थ्य टीम हैं उनके साथ मिलजुल कर कार्य करना है। क्यों मिलजुल कर कार्य करना है? अच्छा देखिए, मान लीजिए कोई भी चीज़ें आपको नहीं पता है और आपकी स्वास्थ्य टीम में कोई सुपर भी रहते हैं, मतलब आपके ऊपर सीनियर भी रहते हैं, तो आपको क्या करना है, उनसे अगर अच्छे तरीके से आप रहेंगी तो आप उनसे अच्छे तरीके से पूछ सकती हैं, देखिए मुझे सर नहीं आ रहा है ये चीज़ें आप बता दीजिए, तो अच्छे तरीके से बता देंगे आपको, आपको भी नॉलेज हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर सकती हैं। पता चला आप उनसे लड़ाई झगड़ा की हैं, आप अपने ही एटीट्यूड में हैं, तो फिर आपको उन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं चलेगा, और किसी हो सकता है इस गलती की वजह से आपको ये चीज़ें ना पता हो और पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इस वजह से क्या है कि समुदाय के साथ मिलजुल कर कार्य करना है, जिससे आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहती है, ठीक है। नर्स द्वारा समाज में एक स्वस्थ विश्वास बनाए रखना, मतलब एक विश्वास बनाए रखना है कि आपको ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करना है, जिससे कि जो समुदाय है उनको विश्वास हो कि आप अगर हैं तो आप लोगों की जान को बचा सकती हैं, लोगों का अच्छा तरीके से ट्रीटमेंट कर सकती हैं, ठीक है। तो एक विश्वास तो स्वास्थ्य के प्रति बनाए रखना है। तो ये हो गया आज का लेक्चर, और होम विजिट के बारे में हम लोग कल देखते हैं। सो एक हमारा है, हाँ तो फिर ये है शेड्यूल, जिस तरीके से क्लास चलने वाली है। एनम फर्स्ट ईयर वालों की क्लास मंडे टू ट्यूसडे चलेगी, और उसके बाद एनम सेकेंड ईयर वालों की क्लास वेडनेस टू थर्सडे चलेगी। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर वालों का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो फ्राइडे एंड सैटरडे चलेगा, ठीक है। तो ये रहा शेड्यूल, और एक व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आप लोग ऐड हो जाइए, वो मैं दे दूँगी कमेंट बॉक्स में, और आपको जितनी भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ऐप से ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पे मैं पीडीएफ सेंड कर दूँगी, ठीक है। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।